हम 9 मिनट में 25 से ज्यादा आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स की बात करेंगे एंड ऑल टिप्स आर 100% वर्किंग। वीडियो स्किप मत करना, आपका पक्का भला हो जाएगा। सबसे पहले आपको सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है एंड हियर यू गॉट एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट। आप जितने भी काम धंधे इस आईफोन में करते हो, इस फीचर को ऑन रखने से आईफोन लगातार एप्पल वालों तक आपका डेटा भेजता रहता है और बैटरी भी बहुत ज्यादा खर्च होती है। तो सीरी बीरी सबको ऑफ कर दो और बैटरी के साथ साथ हमने प्राइवेसी भी बचा ली आपकी। मेल में जाने के बाद अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फेच न्यू डेटा दिखाई देगा। इसके अंदर धक्का नाम से एक ऑप्शन होगा, पुश। जब तक ये ऑन रहेगा आपका आईफोन मेल सर्वर से कांस्टेंट कनेक्शन बना के रखेगा और सर्वर से हर बार पूछता रहेगा कि हाँ भैया कोई मेल आया, कोई मेल नहीं आया। मतलब हर बार सर्वर से सेम सवाल पूछ के उसके दिमाग का दही कर देगा और इस पूरे कार्यक्रम में काफी ज्यादा बैटरी खर्च होती है। तो आपको जब मेल चाहिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैनुअल सही रहता है क्योंकि जब आप मेल वाला ऐप ओपन करोगे रिफ्रेश करने पर सारे ईमेल आपके सामने आ जाएंगे। क्लोज बैकग्राउंड ऐप मोस्ट कंट्रोवर्सियल कहानी, मतलब कुछ लोग मानते हैं इस चीज को, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरी ड्रेनिंग फैक्टर। लेकिन ये भी सच्चाई है, अगर बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन ओपन रहता है तो वो बिना बैटरी का है तो शांति से नहीं बैठेगा। लेकिन अगर आप उस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा से ओपन करते हैं तो फिर और ज्यादा बैटरी खाता है। तो इसका जो सबसे सही सवाल है वो ये कि आपके जो जरूरी एक दिन में 3-4 बार यूज करने वाले एप्लीकेशन है उन्हें बार बार क्लोज मत करो क्योंकि बैटरी काफी ज्यादा खर्च हो जाएगी दोबारा से उन्हें ओपन करने में। एंड जो फालतू के एप्लीकेशन है आप 2-3 दिन में एक बार यूज करते हो उन्हें हटा दो, बाकी शाम में सोने से पहले आप सारे एप्लीकेशन या फिर जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं सबको खत्म कर सकते हो। अब आपको एक्सेसिबिलिटी में डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज पे जाना है। अगर आप घर में बैठ के काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, बेसिकली इंडोर का अगर आपका काम धाम है तो रिड्यूस वाइड पॉइंट को इनेबल कर सकते हो। इससे स्क्रीन के जो एक्स्ट्रा चमकने वाले पॉइंट्स हैं वो थोड़े हल्के हल्के हो जाएंगे एंड ये आंखों के लिए भी काफी सही चीज है। बेसिकली रात में तो आपको इस चीज का यूज करना चाहिए, बाकी आप इसकी इंटेंसिटी भी अपने श्रद्धा सेट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको कोई भी फीचर या फिर ऑप्शन मैं जो बता रहा हूं अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंपली आपको सेटिंग पे ये ऊपर जो सर्च वाला तामझाम आ रहा है ना, यहां पे जाके सर्च करो और आईफोन के अंदर का पूरा तामझाम आपके सामने आ जाएगा। इफ यू हैव आईफोन 14 प्रो या फिर उससे ऊपर वाला कोई तामझाम तो फिर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा बैटरी खाती है। मैंने जब से आईफोन यूज करना शुरू किया है तब से ऑलवेज डार्क मोड ऑन रहता है और सिर्फ आईफोन में नहीं एंड्रॉइड में भी हमेशा डार्क मोड पे ही चलाता हूं। इससे बैटरी सेव होने के साथ साथ हमारी जो आंखें हैं ना ये भी काफी सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट इज ऑटो लॉक, मतलब जितने कम टाइम में आपका आईफोन लॉक हो जाएगा बैटरी उतनी कम खर्च होगी। वैसे मैं तो हमेशा 30 सेकंड्स पे ही रखता हूँ, बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी सेट कर सकते हो। इसका एक फायदा और भी है, मतलब जितना जल्दी आपका आईफोन लॉक होगा उतना ज्यादा सेफ रहेगा। सपोज 5 मिनट में आपने ऑटो लॉक सेट करके रखा है और गलती से आईफोन कहीं छूट जाता है, साइड से भी आपने ऑफ नहीं किया है, तो भाई कोई भी इसके अंदर उसके तांग झांक कर सकता है। आपको अपने आईफोन की बैटरी यूजेज लिस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपके आईफोन का कौन सा ऐप कितनी बैटरी खा रहा है, जो फालतू का है उसे हटा दो। अब आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशंस में। जिन एप्स की नोटिफिकेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सबको डिसेबल कर दो। अच्छा, मैंने कई लोग देखे हैं जो बार बार मतलब नोटिफिकेशन आने पे आईफोन को या फिर किसी भी फोन को बार बार देखते रहते हैं। अब समझ ये नहीं आता है कि आप फोन को चला रहे हो या फिर फोन आपको चला रहा है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप बैटरी के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन से भी बच सकते हैं और जो काम धाम के नोटिफिकेशन है उन्हें ऑन कर दो। अक्सर लो पावर मोड तो तभी यूज होता है जब बैटरी लो हो जाती है, लेकिन अगर आप आईफोन की बैटरी को लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो इसे कर दो क्योंकि इसे ऑन करने से बैकग्राउंड में होने वाले काफी सारे तामझाम रुक जाते हैं जिस वजह से बैटरी थोड़ा सा लंबा टिक जाती है। अब आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे। यहाँ आपको ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे ऑफ कर दो। अगर आपके पास में 14 सीरीज या फिर उससे ऊपर का कोई आईफोन है तो क्लीन एनर्जी चार्जिंग के नाम से एक ऑप्शन होगा, उसे भी बंद कर दो। वैसे ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग ऑप्शन काफी काम की चीज है एप्पल वालों के हिसाब से बैटरी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये फीचर आईफोन यूजर्स को लगातार मॉनिटर करता है, कब चार्ज कर रहे हो, कहाँ पे चार्ज कर रहे हो, कितना चार्ज कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे बैटरी खर्च कर रहे हो और सारी जानकारी को इकट्ठा करके एप्पल वालों तक भेज देता है। तो ऑप्टिमाइज के चक्कर में मत पड़ो, अपने अकॉर्डिंग चार्ज करो। एप्पल फालतू के फीचर बता के बस आपको ट्रैक करता है और कुछ नहीं। आईफोन के अंदर हमेशा ऑटो ब्राइटनेस ऑन करके रखना चाहिए क्योंकि दिन और रात के अकॉर्डिंग आईफोन अपने आप ब्राइटनेस कंबल कर लेता है। हालांकि बैटरी तो इस फीचर में भी खर्च होती है, लेकिन मैनुअली अगर आप एडजस्ट करोगे तो ज्यादा बैटरी चली जाती है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर एक और ऑप्शन दिखाई देगा मोशन के नाम से, इसे भी ऑन कर दो। इसे ऑन करने से कुछ एनिमेशन कम हो जाएंगे और कुछ नहीं, इसे ऑफ करने से स्क्रीन थोड़ा डोलमटोल होकर घूम रही है एंड ऑन करने से सिंपली बिना एनिमेशन के हो रही है, बट इट सेव्स बैटरी। आपने कई बार देखा होगा जब भी आप ऐप स्टोर पे जाते हैं तो काफी सारी वीडियोस अपने आप चलना शुरू हो जाती हैं, हालांकि हमारी लाइफ में उनका कोई काम धाम नहीं है, बस आईफोन की बैटरी खाने आ जाती है। तो रिड्यूस मोशन के नीचे ऑटो प्ले वीडियो प्रीव्यूज दिखाई देगा, ऑफ कर दो इसे भी। यहीं पे एक डिम फ्लैशिंग लाइट्स का ऑप्शन है, आपने देखा होगा ये डीजे वीजे वाली लाइटें नहीं होती वीडियोस में जो बार बार जलती बुझती हैं, तो सारी रिपीटेड फ्लैश और स्ट्रोबिंग लाइट्स को ये जो फीचर है ऑटोमेटिकली डिम कर देगा एंड इससे थोड़ी
भी बहुत बैटरी सेव हो जाएगी। अब बात करते हैं वन ऑफ द सबसे ज्यादा बैटरी खाने वाली चीज, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। मतलब अगर आप इन्हें ऑन करके रखते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में नया नया कॉन्टेंट डाउनलोड करते रहते हैं, अगर आप एप्स को यूज नहीं करते हैं तब भी, तो बैटरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में डेटा भी उड़ जाएगा। हाँ, जो बहुत काम की एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, इंस्टा किसी के लिए हो सकता है, तो उनकी जो बैकग्राउंड रिफ्रेशमेंट है उन्हें आप ऑन करके रख सकते हो। बाकी जो फालतू के एप्लीकेशन है उन सबको बंद कर दो। बाकी इफ यू वॉन्ट देन सेलुलर की जगह वाईफाई सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आईफोन मतलब एप्पल के जितने भी डिवाइसेज हैं वो सेलुलर के मुकाबले वाईफाई पे बहुत कम बैटरी खाते हैं। साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर आपको कीबोर्ड हैप्टिक्स में जाना है, एंड एप्पल वालों का कहना है कि कीबोर्ड हैप्टिक्स ऑफ करने पर आप आईफोन की बैटरी सेव कर सकते हो, तो डिसेबल इट यार। बाकी नीचे की साइड आपको सिस्टम हैप्टिक्स के नाम से एक और ऑप्शन दिखाई देगा, अगर थोड़ी सी बैटरी और बचानी है तो इसे भी बंद कर दो। हाँ, आईफोन थोड़ा सा बोरिंग तो हो जाएगा लेकिन 2-3 दिन में आदत पड़ जाएगी। अब ये फीचर आपकी बैटरी के साथ साथ प्राइवेसी भी बचा के रखेगा। तो आपको ट्रैवल करना है लोकेशन सर्विसेज के पास, इस पे क्लिक करने के बाद आपको सारे एप्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप आपकी कब लोकेशन ट्रैक कर रहा है। अगर आपने किसी एप्लीकेशन पे ऑलवेज सिलेक्ट करके रखा है तो मतलब हमेशा आपकी लोकेशन ट्रैक करी जा रही है, तो आपके हिसाब से जो जरूरी है उसे लोकेशन दे दो वरना डिसेबल कर दो। अच्छा, लोकेशन अलाउ करने के बाद भी थोड़ा सा नीचे आओगे तो प्रिसाइज लोकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे भी ऑफ करना जरूरी है। मतलब डिलीवरी वाले या जो मैप वगैरह हो गया उन्हें तो देना सही है, लेकिन हर किसी को क्यों बताना भाई अपनी स्पेसिफिक लोकेशन। एंड ये लोकेशन वाला तामझाम इसे मेजर बैटरी खाने वाली चीज। अगर थोड़ी सी गाड़ी नीचे लेके आओगे तो हियर यू सी सिस्टम सर्विसेज, टैप करो इस पे, सब कुछ ऑन है भाई। एंड यहाँ जो काम धाम की चीजें हैं लाइक कंपास कैलिब्रेशन हो गया, फाइंड माई आईफोन हो गया, मोशन कैलिब्रेशन एंड डिस्टेंस, शेयर माई लोकेशन, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो जो ऑन रखना है, मतलब 2-4 चीजें जो काम की है वो तो ऑन करके रखनी पड़ेगी, लेकिन फालतू की जितनी भी चीजें हैं सबको डिसेबल कर दो। अच्छा, थोड़ा सा नीचे और आओगे तो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट लोकेशन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करो। एंड 107 रिकॉर्ड, इट मींस 16 जुलाई से 8 सितंबर तक 107 लोकेशंस पे मैंने विजिट किया है, एंड ये सारा डेटा आईफोन रिकॉर्ड करके एप्पल वालों को भेज रहा है। और अगर आपको ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग वाला ऑप्शन ऑन करके रखना पड़ेगा तो ये सेटिंग को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, तभी ऑप्टिमाइज्ड वाला तामझाम काम करेगा। मतलब उल्टे सीधे फीचर्स बता के कहीं ना कहीं हमें ये ट्रैक हमारी प्राइवेसी की ऐसी तैसी करने में ही लगे हैं, तो बैटरी बचाने के साथ साथ भाई प्राइवेसी भी जरूरी है, बंद कर दो सबको। अच्छा, सिग्निफिकेंट लोकेशन के बगल में प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आपको, जहां पे एनालिटिक्स, ट्रैफिक, मैप्स तीनों को बंद कर दो, क्योंकि मैप इंप्रूवमेंट के चक्कर में आपकी फ्रीक्वेंट लोकेशन एप्पल तक पहुंच रही है भाई। हफ्ते में एक बार 10-15 मिनट तो आईफोन को भी दे दिया करो भाई, मतलब इसकी भी तो लाइफ है, इसे भी तो प्राइवेट टाइम चाहिए। मतलब हफ्ते में एक बार 10-15 मिनट के लिए इसे ऑफ करके रख दिया करो या फिर रीस्टार्ट कर दिया करो, इससे हल्के फुल्के जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है मतलब रिजॉल्व हो जाती है। एक और काम की चीज, मतलब ऑलवेज कीप योर आईफोन एंड सारे एप्लीकेशंस इन योर आईफोन अपडेटेड। और अगर आप अपने आईफोन में 25-30% स्टोरेज खाली नहीं रखते हैं तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आईफोन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे में आपकी जो बैटरी है ज्यादा खर्च होती है, तो कम से कम 25-30% स्टोरेज हमेशा खाली रखें। अच्छा, एक गलती शुरू में मैंने बहुत करी थी, लाइक जो क्रोम है 50-60 जो टैब्स होते हैं ऐसे ही खुले छोड़ देता था, मतलब बैटरी तो बैकग्राउंड में जाएगी ना जाएगी भाई, तो एक बार देख लिया करो और टाइम टू टाइम इन्हें खत्म करते रहा करो। इसके अलावा आईफोन में एक और फीचर है रेज टू वेक का, मतलब आईफोन अगर कहीं रखा हुआ है और आप इसे उठाते हैं तो इसकी जो स्क्रीन है अपने आप चमकने लगती है, तो इसमें भी बैटरी खर्च होती है। इसकी जगह आप टैप टू बेक का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जब आपको काम करना है इसकी स्क्रीन पे 2 बार टैप करो एंड स्क्रीन चमक जाएगी। एक और काफी खतरनाक वाला ऑप्शन है, मतलब अगर आप अपने आईफोन की बैटरी को 4-5 महीने तक चलाना चाहते हैं तो इसे एक बार फुल चार्ज करो और किसी भी अलमारी में स्विच ऑफ करके रख दो, मतलब हो सकता है 1 साल भी बैटरी चल जाए, इट्स ए जोक। बाकी आप भी अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में पेल सकते हैं। अगर आपको आईफोन 13 का रिव्यू देखना है यहाँ देख सकते हो, आईफोन 14 का रिव्यू यहाँ देख सकते हो, 13-14 में कौन बेटर है या फिर बेस्ट है यहाँ देख सकते हो। बाकी डू सब्सक्राइब यार।